भाई हम तो कुछ बोले ही नहीं, हमने बस यही बोला कि वो लड़की की आप शादी कर रहे हैं जिस घर में, वो लड़के की माँ तेज ऐसा सुनने। तो क्यों बोला आपने, क्यों बोला आपने लड़के की माँ तेज उस तरीके से बोला? जो आपसे जो इन्फॉर्मेशन नहीं लेते ना आप, वो भी दे देते हो। भले ही आप अच्छे दिल से बोलते हो किसी का भला करने के लिए, सामने वाला अदरवाइज। मेरे को पसंद नहीं कोई मुझे फोन लगा कैसे चुगली करे कि तेरे पति ने ऐसे बोलते तेरे पास, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, जब शादी हुई थी तब इनके बहुत लॉस हो गया। फिर मेरे जो पापा जी है उनके वर्ड्स थे शादी के टाइम, उन्होंने मेरे ससुर जी को ऐसे बोला कि ये अपने घर की लक्ष्मी दे रहा हूँ मैं, बरकत तो होगी। शादी के 2 महीने बाद इनकी भी बहुत बढ़िया जॉब लग गई और ससुर जी का भी बिजनेस सही साथ चलने लग गया। तो ऐसा भी नहीं था कि कुछ भी नहीं था। क्या था, क्या था बताना जरा, क्या था? 8 साल हो गए हमको इस बिल्डिंग में, आज तक किसी ने ऐसा नहीं बात किया। नहीं, आप अपनी आवाज नीचे करिए, आप अपनी आवाज नीचे करिए। बोलिए, मैं आपसे कब से सभ्य तरीके से बात कर रहा हूं, बोले जा रहे हैं। मैं आप सामने से आके बात करिए मुझसे, बेवकूफ इंसान, पागल कहेगा साला, ऐसे बात करने की तमीज नहीं है। नहीं, तुम्हारे बड़े वाले मामा जी बहुत सही है, छोटे वाले छोटा वाला बहुत कंजूस। अरे जीजा जी, आज अरे वॉलेट घर पे रह गया, लगता है दूसरी जींस पहन लिया। कंजूस नहीं है, जिसने जो देखे होते ना दुख, उसको कदर होती है पैसों की। ऑफिस जाता था वो, यहाँ यहाँ तक उसके पानी होता था, 2 जोड़ी उसके पास कपड़े थे, वही बदल के वही सुखा के वही कपड़े उसको वापस पहनने होते थे। बच्चों को ऐसे कंधे पे उठा के ले जाता था, ऑटो के पैसे नहीं होते थे। मैं भी वही कह रहा हूँ, पैसा आ गया तो अब वो जिंदगी जीने का क्या मतलब, 1 रुपये। ही इज माई इंस्पिरेशन, आई लव हिम। सिंपल लिविंग, हार्ड थिंकिंग।